अच्छी सी जो है हर दफ़ा स्टूडेंट के लिए कोई नई चीज़ लेकर आ रही है। लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर कोई नई चीज़ आ रही है कि स्टूडेंट याद कुछ और करके जाते हैं बट पेपर में उनको कुछ और आ जाता है। जिस स्टूडेंट को कहा जाएगा कि इंडिया के ऊपर रिसर्च करके आनी है, किसी को कहा जाएगा चाइना के ऊपर रिसर्च करनी है, किसी को कहा जाएगा पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च करके आनी है। हाई एवरीवन, माई नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सुहेल एडवोकेट एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल उस्मान लॉ अकेडमी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर लॉ एडमिशन टेस्ट। हम देखेंगे कि हमने लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमारे 100 में से 80 प्लस 70 प्लस मार्क्स जरूर आ जाएं। अब हम याद कुछ और करके जाते हैं बट पेपर में कुछ और चीजें आ जाती हैं, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट का इतना ज्यादा रटा लगाते हैं बट वहां पे तो सर अनसीन चीजें आ जाती हैं। हर दफा एचईसी पेपर पैटर्न के हवाले से कोई नई चीज मुतारफ करवा रही है जिस वजह से हमारा टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। आप परेशान हैं तो डोंट वरी, हमारे सेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे सेशन के अंदर आप लोगों को लाइव और फिजिकल क्लासेज की रेगुलर बेस पर लेक्चर्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप डेली बेस पर अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रेपरेशन को यकीनी बना सकते हैं। सेकेंडली, हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और गेस्ट पेपर पर बेस्ड नोट्स लेकर आए हैं जिस पर हम आप लोगों को बिल्कुल थोड़े से और सिलेक्टिव नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उन्हीं में से इंशाल्लाह आपका पेपर लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर हो जाएगा। थर्डली, हम लोगों ने यह चीज ऑब्जर्व की और नोटिस में आई कि एचईसी जो है हर दफा स्टूडेंट के लिए कोई नई चीज लेकर आ रही है। लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर कोई नई चीज आ रही है कि स्टूडेंट याद कुछ और करके जाते हैं बट पेपर में उनको कुछ और आ जाता है। इन तमाम परेशानियों, तमाम चेंजिंग को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए गूगल बेस डाटा देना शुरू कर दिया है। अब ये वो डाटा है जो कि पिछले तमाम पास्ट पेपर से रिलेट करता है, तमाम रिसर्चर्स की बुनियाद पर हम लोगों ने कलेक्ट किया है, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद जब आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सेशन के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो वहाँ पर आप तमाम स्टूडेंट को डिफरेंट किस्म के टास्क दिए जाएंगे। हर स्टूडेंट को डिफरेंट रिसर्च दी जाएगी। सपोज दैट किसी स्टूडेंट को कहा जाएगा कि इंडिया के ऊपर रिसर्च करके आनी है, किसी को कहा जाएगा चाइना के ऊपर रिसर्च करेगा नहीं है, किसी को कहा जाएगा पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च करके आनी है। इट मींस के जितने स्टूडेंट होंगे हर कंट्री के अलग-अलग उनको रिसर्च दी जाएगी। अब एक स्टूडेंट जब रिसर्च करेगा तो वो ग्रुप के अंदर शेयर करेगा, तो एक स्टूडेंट की रिसर्च से बाकी तमाम स्टूडेंट जो है ना बेनिफिट हासिल करेंगे। इस तरह से ग्रुप स्टडी से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। उसके बाद ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह से लिखना है वो प्रॉपर पैटर्न सिखाया जाएगा और इसी के साथ स्टूडेंट को ये बताया जाएगा कि अगर अनसीन टॉपिक कोई आ जाता है तो आप लोगों ने किस तरह से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोग गाइड से और मुख्तलिफ किस्म की बुक से रट्टा लगा कर चले जाते हैं बट वहाँ पर अनसीन ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट हर दफ़ा आ रहा है, तो इनको हल करने के लिए एक प्रॉपर पैटर्न सिखाया जाएगा और आप लोगों के टॉपिक वाइज तैयारी भी करवाई जाएगी। अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन की तलाश में हैं, किसी अच्छे सोर्सेज की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि इसी अटैम्प्ट में लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर हो जाए, तो आप आज ही नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें और हमारे सेशन को ज्वाइन करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ुन नसर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।